हेलो फ्रेंड, दिस इज चैप्टर नंबर वन। हेलो फ्रेंड, दिस इज चैप्टर नंबर वन सीमेंट थ्री। इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग व्हाट आर रिक्वायरमेंट फॉर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। व्हाट आर रिक्वायरमेंट फॉर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। C3S रिक्वायर 24% ऑफ वाटर by weight for its complete hydration of cement. Similarly, C2S required 21% of water by weight for its complete hydration. Therefore, cement as a whole required 23% of water by weight for its complete hydration. 15% of voids, 15% of water is required to fulfill the voids present in the cement. मतलब 24% जो होंगे वो C3S के लिए रिक्वायरमेंट होंगे वाटर की, और C2S के लिए 21% रिक्वायरमेंट होगी, और 15% जो रिक्वायरमेंट होगी वो होगी हमारी वो जो भी voids सीमेंट के अंडर होंगे उन्हें फुलफिल करने के लिए। इसलिए जो टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ सीमेंट होगा वो होगा हमारा 23% प्लस 15% इज इक्वल टू 38%। 38% ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। ओके, द इफेक्टिव वाटर रिक्वायरमेंट फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इज 38% और अप्रोक्सीमेटली हमें कह देते हैं 40%। अगर आपको एग्जामिनेशन में कुछ कोई सा भी ऑप्शन हो 38%, 40% या फिर कभी कभी दे जाता है 35% टू 40%, तो आपको क्या लगाना है सब में, इस रेंज में जो भी आंसर होगा आपको वो टिक कर देना है। ओके, उसके बाद The only advantage of CH का whole twice calcium hydroxide, this is calcium hydroxide, is that being alkaline in nature, पहली बात तो जो calcium hydroxide होता है वो हमारा alkaline होता है नेचर में, जिसकी वजह से जो maintain रखता है हमारी जो water की जो pH होती है approximately 13, alkaline nature तो pH 13 के 9 pH 7 से ऊपर रखेगा। In concrete जो क्या जिससे हमारा क्या फायदा होता है कि जो रेजिस्ट करता है हमारा कोरोजन ऑफ रेनफोर्समेंट, जिससे कि हमारा जो रेनफोर जो अभी हम रेनफोर्समेंट हम यूज कर रहे हैं जैसे किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उसके कोरोजन को ये रोकता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारा हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। ये जो क्वेश्चन होता है ये जनरली पूछा जाता है इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में, या फिर कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव्स के जो पेपर होते हैं उनमें स्टेटमेंट के फॉर्म में आ जाता है कि दे देगा कि ये स्टेटमेंट दे देगा कि जो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट होगा वो डिपेंड करेगा फाइनेस ऑफ सीमेंट के लिए, टेम्परेचर इसके लिए, नन ऑफ डेट, कोई और अदर ऑप्शन दे देगा। तो हम ये समझते हैं कि जो टेम्परेचर एट विच हाइड्रेशन टेक्स प्लेस, मतलब जिस टेम्परेचर पे हाइड्रेशन हो रहा है, एक तो वो हाइड्रेशन सीमेंट उस पर डिपेंड करेगा, पहला पॉइंट। दूसरी बात फाइननेस ऑफ सीमेंट, फाइननेस ऑफ सीमेंट का मतलब होता है हमारा स्पेसिफिक सरफेस एरिया, ओके। फाइननेस ऑफ सीमेंट जो होता है वो हमारा होता है स्पेसिफिक सरफेस एरिया, मतलब कितने सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम की हम बात करेंगे फाइननेस ऑफ सीमेंट के लिए, इस पर डिपेंड करेगा। मतलब जितना छोटा पार्टिकल होगा उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा होगा, और वो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट जो होगा हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट होगा वो उसी में ही सबसे ज्यादा होगा ड्यू टू लार्ज स्पेसिफिक सरफेस एरिया। उसके बाद द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट,
जो भी हम इंग्रेडिएंट सीमेंट के लिए यूज कर रहे हैं वो उन पे डिपेंड करेगा। आफ्टर दैट C3S इज द C3S तो बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी ड्यू टू विच, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा C3S होता है वो हमारी बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी शो करता है, और जो C3A होता है हमारा C3S इज द बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी शो ड्यू टू विच देयर विल बी अ, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो C3S होता है वो हमारा बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी शो करता है, बाय इंक्रीजिंग इट्स परसेंटेज द क्वालिटी ऑफ सीमेंट कैन बी इम्प्रूव्ड। मतलब अगर हमें सीमेंट की क्वालिटी इंप्रूव करनी है तो हमें C3S का प्रोपोर्शन उसमें बढ़ाना पड़ेगा। आफ्टर दैट द रिएक्शन ऑफ प्योर C3A विद वाटर इज वेरी फास्ट And may lead to flash at. ये दो क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी C3 है, फ्लैश एट के लिए C3 है। तो जिप्सम इज एडिड एट द टाइम ऑफ ग्राइंडिंग टू प्रिवेंट दिस फ्लैश एट। मतलब जो जैसे हम अपना जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट करते हैं तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, ग्राइंडिंग के टाइम पे ही हम उसमें जिप्सम ऐड कर देते हैं। क्यों ऐड करते हैं, जिससे कि हमें फ्लैश एड ना हो, नहीं तो पता चला वो जल्दी हार्ड हो, हमारा जो सीमेंट है वो जल्दी हार्ड भी हो जाएगा और जल्दी स्ट्रेंथ भी गेन कर लेगा, जिसकी वजह से उसका डिसएडवांटेज ये होगा उसमें श्रिंकेज होगा और क्रैक डेवलप हो जाएंगे, इसीलिए हम उसमें जिप्सम का एडिशन करते हैं। जिप्सम इंक्रीज द साउंडनेस ऑफ सीमेंट, और अगर हम जिप्सम ऐड कर देते हैं तो उसके जो साउंडनेस ऑफ सीमेंट होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। साउंडनेस ऑफ सीमेंट भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो वॉल्यूम चेंज ना हो, अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो जो हमारा सीमेंट होगा वो होगा हमारा अनसाउंडेड। उसके बाद C4AF आर मोर रेजिस्टेंट टू सल्फेट अटैक, ये क्वेश्चन अभी पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जा सकता है कि जो C4AF होता है वो क्या वर्क करता है, भाई उसे हम यूज कर रहे हैं कंपाउंड को तो वो क्या वर्क करेगा हमारा, ठीक है ना, तो वो वर्क करता है हमारा सल्फेट अटैक के लिए, ये पॉइंट रिमेम्बर रखेंगे हम। उसके बाद रेट ऑफ हीट इवोल्यूशन, मतलब किस रेट से हमारा हीट बाहर निकलेगा, वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे C3A सबसे ज्यादा, फिर C3S, फिर C4AF, फिर C2S, A65, 500, 420, 260, ठीक है। उसके बाद इन सीमेंट्स जनरली द इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 14 डेज टू 28 डेज इज प्राइमरीली ड्यू टू C3S। ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इस तरीके के हम दो क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, जैसे जो सेवन डेज की स्ट्रेंथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है वो हमारा होता है हमारा C3A। अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो हमारा होता है हमारा C2S। इसी प्रकार से जो 14 टू 28 डेज की स्ट्रेंथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा वो हमारा होगा C3S। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो एग्जामिनेशन में जनरली पूछे जाते हैं, जैसे जो भी हम वीडियो लेक्चर अभी तक हमने पढ़ाया हुआ है जो उसी में से सारे होंगे और जो जनरली पूछे जाते हैं। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर द कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ये पूछा गया इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 9 में। 10-15%, 15-20%, 20-25%, 25-30%,
ये बात कर रहा है हमारी कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन की, पहली बात। तो कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन के केस में हम पता है हमें जो वाटर रिक्वायरमेंट होता है वो होता है हमारा 23% फॉर C3S के लिए, 21% फॉर C3A। इसीलिए हमारा ये जो ये ऑप्शन ये रेंज ये किस रेंज में आता है, ये हमारा आता है 20-25। इसलिए हमारा आंसर हो जाता है हमारा आंसर सी। उसके बाद फॉर द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट द वाटर सीमेंट रेशियो नीडेड इज, ये 1996 में पूछा गया ऑप्शन है, लेस देन 0.25, मोर देन 0.25, कंप्लीट हाइड्रेशन पूछा क्वेश्चन में आपसे, कंप्लीट हाइड्रेशन, बट लेस देन 0.35, मोर देन 0.35, बट लेस देन 0.45, मोर देन 0.45, बट लेस देन 0.60। ये हम क्वेश्चन ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही कि जैसे कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए जो रेंज होता है हमारा वो होता है 0.35 to 0.40। कैसे 23% होता है C3A, 21% होता है हमारा C3S, ये S, ये, और जो 15% जो होता है हमारा वो होता है हमारा जो भी सीमेंट के अंदर वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, 15% वॉइड्स के अंदर जो भी सीमेंट के अंदर जो भी वॉइड्स प्रेजेंट होंगे उनको फुलफिल करने के लिए। तो ये टोटल 38% करीब होता है, तो 38-40 इसके लिए हमारा ऑप्शन होता है हमारा सी। उसके बाद जो क्वेश्चन ये जनरली ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता रहता है कि जो जैसे हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट करते हैं उस टाइम पे, जैसे हम किलन में अपना मैन्युफैक्चर करेंगे अपना सीमेंट को, ठीक है, जैसे ब्रिक के लिए किलन होता है ऐसे सीमेंट के लिए भी किलन होता है, तो उसमें मैन्युफैक्चर करेंगे, उसमें क्या हम टेम्परेचर जनरली रखेंगे ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, उसका रेंज पूछते हैं वो एग्जामिनेशन में, ये इन दो एग्जामिनेशन में पूछा गया है और भी पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए 500 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, 1000 to 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, 1300 to 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, 1600 to 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका जो रेंज होता है वो होता है हमारा 1300 to 1600 सेंटीग्रेड। इसमें दो प्रोसेस होते हैं, ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस, ठीक है। तो उसमें एक में इन दो प्रोसेस में एक में होता है टेम्परेचर 13 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड और एक में होता है 15 to 16 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरीके से दोनों की जो रेंज हम जनरली लेते हैं वो 13 to 16 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेते हैं। तो हमारा जो इसमें आंसर जो हमारा आता है ऑप्शन में वो हमारा आता है 13 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड। सो आवर ऑप्शन इज सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर एनी क्वेरी प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। बस।